हाय, मेरा नाम केसी पंत है। मैं सन इन्फो में एज ए सर्विस हेड हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ श्योर के वायरलेस माइक ULX-D2 या QLX-D2 में रिचार्जेबल बैटरी कैसे चेंज करनी है और क्या क्या सावधानी रखनी है जिससे वो डैमेज ना हो। अब देखिए बैटरी को कैसे चेंज करना है। हमें ये बाई डिफॉल्ट ये डबल ए बैटरी लगी होती है, ये डबल ए बैटरी लगी हुई है पहले से, तो ये हमने हटा दिया। अब ये और मैं रिचार्जेबल बैटरी लगाने के लिए हमें ये लॉक खोलना पड़ेगा। ये लॉक हमने खोल दिया, अब ये रिचार्जेबल बैटरी इजीली फिट हो जाएगी। रिचार्जेबल बैटरी के लिए लॉक हटाना पड़ेगा। अगर लॉक नहीं हटाएंगे तो ये लॉक इसमें रुक जाएगा और ये कवर नहीं लग पाएगा। अब मैं डबल ए बैटरी लगाने जा रहा हूँ। डबल ए बैटरी लगाने के लिए सबसे पहले लॉक लगाना पड़ेगा। ये इसमें लॉक प्रॉपरली फिट हो गया, ये इसके खांचे में फिट हो गया, आप देख पा रहे हैं। ये इसमें लॉक लग गया और इसमें डबल ए बैटरी ये इसमें प्रॉपरली लॉक हो गया। जब आपको माइक यूज नहीं करना हो तो आपको बैटरी निकाल के रखनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप बैटरी उसके माइक के अंदर ही रखेंगे तो उसका बैटरी का लिक्विड निकल के उसके ट्रैक को ख़राब हो जाए, PCB ख़राब कर देगा। तो आपको बैटरी निकाल के रखनी चाहिए जब यूज नहीं करना हो। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए info@sungurus.net में मेल कर सकते हैं या केसी पंत@sungurus.net में मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।